हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग ठोकरे खा खा के मर गया। अरे हजारों हजारों किलोमीटर पैदल चला हिंदुस्तान का वर्ग, मजदूर वर्ग, उनके लिए बसों का और रेलवे का ये प्रबंध नहीं कर पाए, उनसे इन्होंने किराया लिया, ये प्रबंध करेंगे? आपको लगता है प्रबंध कर पाएंगे? ये लोग झूठे और मक्कार है, इनकी जो सरकार है झूठ मूठ की सरकार और हिंदू मुस्लिम और धर्म के आधार पर चलने वाली है। ये बच्चों के भविष्य से इनको कोई लेना देना नहीं है। जो कहते थे हम गुंडागर्दी खत्म कर दी उत्तर प्रदेश के अंदर, जो माफिया गुंडा राज आज योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिस्ट की जो सरकार है उसके अंदर जो गुंडा राज हैवी हुआ है, इन्होंने सबको फैल कर दिया है। जो भूतपूर्व सरकार थी उनके भी जो इन्होंने आंकड़े हैं वो दरासाई कर दिए हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर माताएं बहनें हर किसी की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, बाजार में लोगों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं जो पत्रकार उनको गोलियों से भून दिया जाता है, उनके जो छुट भैया जो बदमाश है उनके द्वारा मार दिए जाते हैं। अब बलिया की घटना हो या फिर गाजियाबाद के एक महीने पहले पत्रकार की घटना हो, कितनी तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर उठा के देख सकते हो आप। योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनको गहन विचार करना चाहिए और अपने आंगन में अपने अंदर जाकर देखे कि जो आपको दूसरे के मकान जलते हुए बड़े दिखाई देते थे आज अपने अंदर जा के देखे, अपने पैरों में देखे। वो महाराष्ट्र की बात बड़ी करते थे जो साधुओं के ऊपर मॉब लिंचिंग हुई थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देखे, वो अपना देख लेंगे, आप अपना देखे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह का हाल, किस तरह का माहौल बनाया हुआ, जंगल राज, गुंडा राज। आज पिछले 6 महीने से स्कूल कॉलेज दफ्तर सब बंद पड़े हैं, लेकिन आज जो बच्चे 12वीं पास करके आएंगे उनकी उम्र कितनी होगी, 17 साल, 18 साल, 19 साल, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आएंगे, उनकी रहने की व्यवस्था क्या है, परिवहन की व्यवस्था क्या है, वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार है कि वो अपनी जिम्मेदारी से विमुख है, कुछ नहीं बिगड़ता। आपके लोगों को मारना चाहते हो? अरे पहले देश में बेरोजगारी का आलम है और आप इस ऐसी महामारी में लाखों बच्चों को इकट्ठा करके उनको क्यों मौत के कुएं में धकेल रहे हो? ये जिम्मेदारी नहीं बनते। इससे पता लगता है आज पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जो हमारे नेता लोग हैं वे अनपढ़ है, अशिक्षित है। यदि वे पढ़े लिखे होते इस तरह का काम नहीं करते बिल्कुल भी। जय करण जी, आप IYC के दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं और आज आप लोगों का JEE और नीट को परीक्षा को लेकर आप लोगों ने बहुत तगड़ा विरोध किया, प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार सुनने का नाम ले रही है। और आप लोगों ने जब विरोध किया तो मतलब दिल्ली पुलिस ने आपको डिटेन कर लिया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ये जो सरकार है ये मन की बात करती है, अपने मन की बात करती है, लेकिन लोगों के मन की बात नहीं सुनती है। अरे करने की बात तो दूर, ये लोगों की बात नहीं सुनती। अरे आज कोरोना जैसी महामारी में आप नीट और जी की जो परीक्षा लेने जा रहे हो, जी नेट की, पता होना चाहिए इस महामारी में हिंदुस्तान में 6 से 7 सेंटर हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से छात्र परीक्षा देने के लिए आएंगे। आपने क्या व्यवस्था की है उनके लिए, उनके लिए आपने परिवहन की क्या व्यवस्था की है, कैसे आएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे? रेस्ट हाउस है आपके पास, गेस्ट हाउस है क्या आपके पास, क्या प्रबंध किए हैं आपने? आपने सिर्फ सेंटर के अंदर प्रबंध करके आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। आपने लाखों छात्रों को मरने के लिए छोड़ेंगे? आज 25 से 26 लाख छात्र जी नेट की पेपर देने के लिए आएंगे 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में, 26 लाख के लगभग। सर क्या किया जाए उन बच्चों का, साल भर बर्बाद कर दिया जाए या कोरोना महामारी को देखते हुए उनका जीवन दांव पे लगा दिया जाए, और उनके पास क्या उपाय है, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हम सरकार को सलाह देना चाहेंगे कि आप जो परीक्षा जो अब होने वाली है 10-15 दिन के बाद, इसको 6 महीने के लिए कम से कम स्थगित कर देना चाहिए, आगे कर देना चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ता। आपके लोगों को मारना चाहते हो? अरे पहले देश में बेरोजगारी का आलम है और आप इस ऐसी महामारी में लाखों बच्चों को इकट्ठा करके उनको क्यों मौत के कुएं में धकेल रहे हो? ये जिम्मेदारी नहीं बनते। इससे पता लगता है आज पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जो हमारे नेता लोग हैं वे अनपढ़ है, अशिक्षित है। यदि वे पढ़े लिखे होते इस तरह का काम नहीं करते बिल्कुल भी। सर आप कह रहे हैं अनपढ़ है, अशिक्षित है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि JEE और NEET का फुल फॉर्म आप बखूबी जानते हो, क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे क्या फुल फॉर्म? हाँ जी, की जो है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम और नीट की है नेशनल एलिजिबिलिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये जो फुल फॉर्म है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो देश के शिक्षा मंत्री है, HRD मिनिस्ट्री है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो छात्रों को सुरक्षा प्रदान करे। आज पिछले 6 महीने से स्कूल कॉलेज दफ्तर सब बंद पड़े हैं, लेकिन आज जो बच्चे 12वीं पास करके आएंगे उनकी उम्र कितनी होगी, 17 साल, 18 साल, 19 साल, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आएंगे, उनकी रहने की व्यवस्था क्या है, परिवहन की व्यवस्था क्या है, वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार है कि वो अपनी जिम्मेदारी से विमुख है और उनके लिए क्या, उन्होंने आज ट्रेन है हिंदुस्तान के अंदर, ट्रेनें 6 महीने से बंद पड़ी है, कैसे आएंगे उनके माता पिता, उन पे बच्चे हैं जो पेपर देने के लिए, अपना जी नेट की परीक्षा देने के लिए कैसे आएंगे, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सर सरकार कह रही है कि हम अपने फैसलों पर अड़े रहेंगे और हम एग्जाम को पोस्टपोन नहीं करेंगे, जो समय निर्धारित किया गया उसी समय परीक्षा कराई जाएगी।
सरकार को जो है, सरकार को पता है कि परिवहन की व्यवस्था है नहीं, उनके पास रोजगार देने के लिए है नहीं, सीटें कम हैं, तो वे चाहते हैं कि कम से कम लोग आएंगे, इसमें कम से कम लोग पहुँचे, पेपर दें। लेकिन जो सरकार के अंदर अनपढ़ लोग बैठे हैं, वह सरकार के अंदर आज मात्र 17% लोग जो है वे उन्होंने कॉलेज का थोपड़ा देखा, मुँह देखा है सांसदों ने, जो आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है, उसके अंदर बैठे हुए लोग, वे अशिक्षित और अनपढ़ लोगों को बच्चों के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, आज एससी एसटी ओबीसी जनरल हर वर्ग का, हर कैटेगरी का स्टूडेंट छात्र पेपर देने आएंगे, उन छात्रों को अपने उन नेताओं से सवाल करना चाहिए जिनको उन्होंने 2019 में जिता कर भेजा है। सर, उन्होंने ये कहा है कि जो भी छात्र परीक्षा देने आएंगे, जो उनका सेंटर है, उन सेंटर का जो लोकेशन होगा बहुत हाई क्लास का होगा, ताकि लोगों को आसानी से पहुंच सके, वहां परीक्षा दे सके, तो मतलब आस पास डिस्टर्बेंस ना हो, डायरेक्ट वहां पहुंच सके। तो आप क्या समझेंगे, आप क्या व्यवस्था नहीं है लोगों के, सरकार कहाँ व्यवस्था, ये जो सरकार कहती है इसकी कथनी करने में अंतर है। वो आपने 3 महीने पहले मई के अंदर देखा होगा, हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग ठोकरे खा खा के मर गया। अरे हजारों हजारों किलोमीटर पैदल चला हिंदुस्तान का वर्ग, मजदूर वर्ग, उनके लिए बसों का और रेलवे का ये प्रबंध नहीं कर पाए, उनसे इन्होंने किराया लिया, ये प्रबंध करेंगे? आपको लगता है प्रबंध कर पाएंगे? ये लोग झूठे और मक्कार है, इनकी जो सरकार है झूठ मूठ की सरकार, और हिंदू मुस्लिम और धर्म के आधार पर चलने वाली है, ये बच्चों के भविष्य से इनको कोई लेना देना नहीं है। सर, शिक्षा मंत्री और जो लोग हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि हमारा एक ही उद्देश्य है, उचित शिक्षा, उचित चिकित्सा, उचित व्यवस्था, तो आप लोग उसका विरोध क्यों करते हैं? कहाँ है उचित शिक्षा, उचित शिक्षा, शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा के नाम पे बता दो, कितने एम्स खोले हैं, कितने NIT IIT, कितने हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कितने खोले हैं, अपने आंकड़े बता दो ना। इन्होंने अपने अपने जो बीजेपी ने अपने 500 कार्यालय पूरे हिंदुस्तान में खोल दिया है, 7-star 5-star होटल जैसा इन्होंने कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपनी पूरी बीजेपी का राष्ट्रीय लेवल का खोल के रख दिया है। कोई कॉलेज बनाया है इन्होंने, कोई हॉस्पिटल बनाया है इन्होंने? दिल्ली देश की राजधानी है। बीजेपी को चैलेंज करता हूँ, जो बीजेपी के चाइल्ड मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री या जो इनके स्वास्थ्य मंत्री है, कोई एक स्कूल या एक कॉलेज बता दे, या कोई ऐसा अस्पताल बना दे जो इनकी उपलब्धि हो इन 4-6 सालों के अंदर, कोई बता दे दिल्ली में ने इनको ऐसा काम किया हो। शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा के नाम पर इन्होंने सिर्फ लोगों के अंदर नफरत और नफरत फैलाने का काम किया, लोगों को बांटने का काम किया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके देश के लोगों को अफीम खिलाकर उनको बरगलाया। आज हिंदुस्तान का 12 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुका है इस लॉकडाउन में। आज हिंदुस्तान का इन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, आप देख सकते हो। आज हमारे देश का युवा तंत्र की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, सड़कों पे घूम रहा है, लेकिन रोजगार के नाम पर इनके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई प्लान नहीं है। साइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जितने इनके जो प्लान थे, जितने इन्होंने अपने संस्थान बनाए थे, सब धराशायी हो गए, कोई काम नहीं हो रहा है उनके ऊपर। सर, आपने अभी कहा बेरोजगार, सर एक सवाल ये होता है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे, हमारे पोर्टल पे और रजिस्ट्रेशन करें। सर, 70 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अपना, मतलब लोगों ने नौकरी मांगी उनसे, उन्होंने क्या दिया, 6 महीने में मात्र 7,700 के करीब करीब उन्होंने लोगों को नौकरी प्रोवाइड की। हाँ, ये बिल्कुल 3 महीने पहले आंकड़े आए थे, 70 लाख के लगभग लोगों ने अपना मतलब पोर्टल दिया था, लेकिन उसमें आए कितने, 7,000 लोगों को, तो आप खुद देख सकते हैं। तो इनकी बिकाऊ मीडिया, आज जो गोदी मीडिया हो चुकी है, बिक चुकी है, आज हर चीज पे देखते हैं। सुशांत राजपूत आज कोई मजदूरों की बात नहीं करता, किसानों की बात नहीं करता, युवाओं की बात नहीं करता, अलग अलग मुद्दे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और सुशांत राजपूत, अलग अलग मुद्दे लाकर रख देते हैं लोगों के सामने। बिहार के चुनाव है, सुशांत राजपूत को रख दिया, ये कोई भी ऐसा आइडिया कोई भी लोगों को मुद्दे से भटकाने की कोशिश करती है बीजेपी। कभी भी मैन एजेंडे पे जिन लोगों को हिंदुस्तान को जरूरत है पेट की, अरे कोई कंपनी लाते गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद में, कोई बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाके वहां पे स्थापित करते, हमारे देश के लाखों हजारों लोगों को रोजगार मिलता। कहां है रोजगार? हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले से पूछना चाहता हूं, इन्होंने 6 साल के अंदर 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया है। रोजगार के नाम पर यह सरकार बिल्कुल फेल है, लेकिन इनका एजेंडा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। सर, आप यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, क्या आप अपने यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने देश के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आप सरकार से बोलिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज नेटवर्किंग का ज़माना है, फ़ोन है, व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक, आप आइए, अपनी वीडियो बनाइए और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, आप सरकार से रोजगार मांगिए, अपने अधिकारों की बात कीजिए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, सड़क पर, परिवहन पर, इन चीज़ों पर जो मांगिए आप सरकार से। अब सरकार की बातों में बरगलाई मत आओ, अब जो हिंदुस्तान के अंदर जो मीडिया चली हुई है, इनके जो बिकाऊ चैनल है, उनके ऊपर ध्यान ना दे, अब सीधे
बात करें, रोजगार पे बात करें, अपने पेट की बात करें और अपने आने वाली भविष्य के लिए, अपने आने वाली संतानों के लिए एक अच्छा भारत बनाने का योगदान दे। सर आप कह रहे हैं, आप यूथ को आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए अपनी बात रखिए, लेकिन सर अगर उत्तर प्रदेश में देख लिया जाए, जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट शासित प्रदेश है, वहाँ देख लिया जाए कि अगर कोई भी अपनी बात को रखता है तो उसको NSA लगा दिया जाता है। अभी कल एक बलिया में, परसों की एक बात है, बलिया में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है, तो कैसे लोग अपनी आवाज़ उठाए, क्या उनको अपनी जान का डर नहीं है? आज खतरा है, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले एक महीने में 3 पत्रकारों को मार दिया गया है, 19 पत्रकारों को ऐसे अफायर कटवा दी गई है। परसों उत्तर प्रदेश के अंदर 20 से ज़्यादा आपराधिक मामले में मर्डर हुए हैं, 20 से अधिक। ये गुंडा राज, जो कहते थे हम गुंडागर्दी खत्म कर दी उत्तर प्रदेश के अंदर, जो माफिया गुंडा राज आज योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह विश की जो सरकार है उसके अंदर जो गुंडा राज हैवी हुआ है, इन्होंने सबको फैल कर दिया है। जो भूतपूर्व सरकार थी उनके भी जो इन्होंने आंकड़े हैं धराशाई कर दिए हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर माताएं बहनें हर किसी की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा है, सड़क पर, चौराहे पर, खड़े बाजार में लोगों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं जो पत्रकार, उनको गोलियों से भून दिया जाता है, उनके जो छुटभैया जो बदमाश है उनके द्वारा मार दिए जाते हैं। अब बलिया की घटना हो या फिर गाजियाबाद के एक महीने पहले पत्रकार की घटना हो, कितनी तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर उठा के देख सकते हो आप। योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको गहन विचार करना चाहिए और अपने आंगन में अपने अंदर जाकर देखे कि जो आपको दूसरे के मकान जलते हुए बड़े दिखाई देते थे, आज अपने अंदर जा के देखे, अपने पैरों में देखे। वो महाराष्ट्र की बात बड़ी करते थे जो साधुओं के ऊपर मॉब लिंचिंग हुई थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देखे, वो अपना देख लेंगे, आप अपना देखे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह का हाल, किस तरह का माहौल बनाया हुआ, जंगल राज, गुंडा राज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के राज में। और मैं तो कहता हूँ उनको सरकार के अंदर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी को।